बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री प्रताप यादव जी डीएसएफ के साथ संगठन के संस्थापक श्री प्रताप चंद्र जी, कई नेतागण बिहार से आए हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे समय में जब देश भर के सभी धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले देश की एकता अखंडता बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली पार्टियां हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। इंडिया इंडिया भर से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। निकट भविष्य में महाराष्ट्र में हम लोग फिर जुटने वाले हैं और इसमें आगे की रणनीति को तय करेंगे। इस बीच में आप सभी छात्र नौजवान आरएसएस के घोर विरोधी डीएसएस के सभी नेता कर्तागण आपका दायित्व है कि देश भर में आप लोग घूमिए, देश भर में घूम कर संगठन को मजबूत करिए और आरएसएस और भाजपा के खिलाफ पूरा गोलबंदी करिए। पंचायत स्तर पर डीएसएस के विचारों को पहुंचाना है। क्या है डीएसएस? बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो विधान नहीं होता संविधान। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता नरेंद्र मोदी संविधान को मिटाना चाहते हैं और इस काम में वो लगे हुए हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर देश की एकता अखंडता धर्मनिरपेक्षता और बाबा के विचारों को हम लोग मिटने नहीं देंगे। बिहार भर में आप लोगों को मालूम होगा पंचायत स्तर पर बाबा के विचारों पर चर्चा हो चुकी है। सभी नेताओं का टीम सब जगह गया, दो दिन तीन दिन बड़े पैमाने पर महिलाएं बड़े पैमाने पर गांव गांव के लोगों ने हिस्सा लिया इसमें और बूथ स्तर पर भेजना है जो भेज रहे बूथ स्तर पर मतदान केंद्र पर तक जाके पहुंचाना है लोगों को और इसमें महिलाएं भाग ले रही है। बड़े पैमाने पर महिलाएं हिस्सा ले रही है। आप लोगों से आह्वान है मेरा कि सब तरह के कामों को छोड़ करके इस काम में लगिए, देश को बचाइए। देश के नौजवान ही छात्र ही देश के रखवाले होते हैं, भविष्य के रखवाले होते हैं। आप लोग समय निकाल करके जिस तरह से आजादी की लड़ाई में नौजवानों ने देश के युवाओं ने हिस्सा लिया था, अंग्रेजों को मार भगाया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेके आचार्य नरेंद्र देव बाबा साहब अम्बेडकर
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण जी, जन नायक तरकुली ठाकुर जी, पंडित रामानंद तिवारी जी और बिहार के न जाने सैकड़ों हमारे पुरुषों ने हिस्सा लिया और कुर्बानी दी देश के लिए। ये काम चलते रहता है, जो आते हैं जाते हैं, जेल का परवाह नहीं करते, जेल के अंदर जाते हैं, देश के जो ताने बाने हैं उसको बरकरार रखना है और ज्यादा से ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूं तेज प्रताप यादव को। अब चुनाव आ गया, चुनाव यार अपना आप लोग को मालूम है कि हम अपना अपनी पार्टी आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस में इसमें काफी संधि है, हम लोग इकट्ठे हैं, इकट्ठे जमीन के सरकार चला रहे हैं और चुनाव 24 का जो चुनाव बहुत नजदीक आ गया, इसकी तैयारी हो रही है, इस तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और एक के खिलाफ एक के लिए खड़ा होगा, भाजपा एक तरफ और इंडिया जो इंडिया बना है, इंडिया इंडिया भर से भाजपा ये लड़ाई होगी। जनमानस ने काफी प्रशंसा किया है कि गाली देना है तो इंडिया को गाली दो, भाजपा वाला गाली दो, हिम्मत है तो। इसलिए काफी लोगों ने सराहा है इनाम और अब एक से खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करने की विधि प्रक्रिया क्या होगा, हम लोग महाराष्ट्र में निकट भविष्य में हम लोग जा रहे हैं, हम दिल्ली भी हम जा रहे हैं, लोगों से सभी नेताओं से बात करेंगे कि हम लोग को सब लोग को बिल्कुल आपस में भेदभाव हो करके भाजपा हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ, बहुत घबराहट है सबको, बहुत घबराई कर एकदम। तो त्रिपुरा में हुआ और जो मणिपुर में हुआ उधर जो हो रहा था आप लोग जानते ही हो, महिलाओं के साथ निष्पक्ष उतार के जो व्यवहार हुआ, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना पड़ा, नहीं कार्रवाई करोगे तो हम आएंगे आगे, हम हैं, तो ये सब काम चल रहा है और ये काम चल रहा है और आप लोग आप अपने काम चलाओ। ये जो सम्मेलन है जिनका हो रहा है देशव्यापी, दूसरे राज्य में भी रखी छोटा नागपुर में और भी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में एसएस के कार्यक्रम को चालू करूंगी और बताओ काफी लोगों ने सराहा कि बहुत सोच समझ के और विचार करके नाम बना डीएसएस धर्मनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब धर्मनीतिक सेवक संघ, बीजेपी आरएसएस थोड़ा बहुत घबराता है सर,
आप लोगों से, क्योंकि आप फिर बैठे रहोगे तो कैसे न बनाएगा। आप मिलो निकली, जितना निकलोगे उतना भाग्य का था। हाँ नहीं दिखाएगा, आप लोग को मैं काफी धन्यवाद देता हूँ। सूखा पड़ गया है बिहार में, किसानों को खेती करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बिहार सरकार ने बिजली के द्वारा सिंचाई करने का और डीजल से ऐलान किया है, ये काम हो रहा है जितना हो सकता है। तो मैं अपनी बात को नहीं रुकता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सबका अभिनंदन। हरतेज प्रताप को मैं सलाह देता हूँ, चुनाव है, चुनाव में और एकजुट होकर सब लोग मिल के कहीं कोई भ्रम नहीं फायदा हो अपने दल में, पार्टी में, संगठन में, इस काम को करना है आगे बढ़ाना। बहुत बहुत भाजपा ने ये तय किया है कि आप, क्योंकि हमला बोलने में इंडिया पर उन्हें दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है क्या कि अब विपक्ष कहकर हमला बोलेंगे आप लोगों पर? विपक्ष कह रहे हैं, हम लोग विपक्ष में कहाँ, हम लोग विपक्ष में आप पक्ष में है, निर्णायक तो वो हो गया। विपक्ष के मतलब क्या हुआ, हम लोग सारे सारे देश के अंदर हर राज्य में देखो वोट हम लोग का ज्यादा है उनसे, पक्ष में हम लोग का है, इसलिए सबको परवाह नहीं। और हम लोग की सरकार बनेगी, बेकारी, गरीबी, गुर्बत, लचारी, व्यवस्थित जानते हो कैसे भेजी बिक रहा है, भेजी 80 रुपया किलो, 300 रुपया किलो टमाटर नहीं मिल रहा, टमाटर नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने इंडिया बनाया, मोदी ने बोला कि क्विट इंडिया होगा, क्या कहिएगा नरेंद्र मोदी को? वो जा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, वो इसलिए विदेश में घूम कर जगह चुन रहे हैं कि कहाँ कर रहे हैं। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है 2024 घूम के जगह खोज रहे हैं सब विदेशों में, और वहीं पर खाएंगे वो पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, मोमो